फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस प्रकार की नेट हमारी अक्सर हमारे घर पर आ जाती है किसी खिलौने वगैरह में, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप इस नेट में ना आलू प्याज आप कुछ भी इसमें भर सकते हैं। आपने मार्केट में भी देखा होगा कि जब वो फल वाले फल बेचते हैं तो जो महंगे फल होते हैं उनको ना वो नेट में रख कर बेचते हैं, उससे क्या होता है कि जो फल होते हैं ना वो हमारे ख़राब नहीं होते। इस तरीके से आप इसमें नेट में आलू या प्याज भर कर आप रखेंगे ना, तो आपके आलू और प्याज आपके सेफ बने रहेंगे, मतलब ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। जो ये नेट होती है ना और इसके जो ये होते हैं छेद, इसमें से हवा जाती है, इसके कारण ये जल्दी से ख़राब नहीं हो पाते और ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है, इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। ज़्यादातर हम इनको ना डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन हम इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। अगली एक से फ्रेंड्स क्या होता है कि आगे अब गर्मियाँ ही आ रही हैं, तो क्या होता है कि जब भी हम जुराब पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तो हमारे पैरों में से ना बहुत गंदी सी स्मेल आती है। कभी कभी तो जुराब उतारने के बाद भी पैरों में से इतनी गंदी स्मेल आती है कि मतलब हमारे ना दिमाग में चढ़ जाती है, और कभी कभी तो हमारा वॉमिटिंग का भी जी हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी टेलकम पाउडर ले लीजिए जो हम लगाते हैं, उस पाउडर को आप इस तरीके से पैर पर अच्छे तरीके से लगा लीजिए। पाउडर को ना हमें अच्छे तरीके से लगाना है, मतलब कंजूसी वाला काम नहीं करना, अच्छे तरीके से हमें इसको पाउडर को पैर पर लगा देना है। लगाने के बाद अब आप इस जुराब को पैर में पहन सकते हैं। देखिए पाउडर मैंने बहुत अच्छी तरीके से लगा दिया है, और जब भी आप जुराब पहने कहीं जा रहे हैं पार्टी में, शादी में, या आप नॉर्मल भी रोज़ में जैसे बहुत से लोग जुराब और जूते पहनते हैं, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो जूते पहनते हैं या जुराब पहनते हैं, तो आप इस तरीके से पाउडर लगा के आप जुराब पहनेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में से जो गंदी स्मेल आती थी ना वो आपके पैरों में से नहीं आएगी, और आपको ना बहुत एक अच्छी सी मतलब फीलिंग आएगी जब आप जुराब उतारोगे पाउडर लगाने के कारण, तो बहुत ही अच्छा आपको इस पाउडर लगाने से लगेगा। बहुत लोग तो इस बदबू से बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसके लिए हम क्या करें, तो ये बहुत ही काम की टिप है। अगले एक से फ्रेंड्स मेरी क्या होता है कि हम बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं तो हमें गोला करना पड़ता है, तो वो गोला हमारा जो है नहीं हो पाता, कभी कभी प्रकार भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो भी नहीं होती। तो बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी, आप एक पिन ले लें, एक पेन और एक पेंसिल ले लें, और जो छोटा वाला छेद है ना इस तरीके से आप इसको गोल घुमा दीजिए। ये देखिए आप बहुत इजी तरीके से इसका गोला कर पाएंगे। अब तो बच्चे भी अगर बनाना चाहें ना गोला, तो बहुत इजी तरीके से इसका गोला हम बना सकते हैं। फ्रेंड देखिए बिल्कुल गोल बनकर हमारा ये गोला तैयार हुआ है। अब आप इसमें कोई भी ड्राइंग, कोई भी आर्ट, कोई भी कला, कोई कुछ भी कर सकते हैं। अब ये देखिए एक छोटी पिन है, इस पिन को भी मैं इसी तरीके से इससे भी गोला आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मेरा हिल गया, लेकिन इस तरीके से आप ना इसको इससे भी आप गोला बनाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से हमारा ये गोला बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आराम से हम इस गोले को बना सकते हैं, बच्चे भी इस गोले को बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। अब आप इससे कुछ भी ड्राॅइंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, बिना किसी परेशानी, बिना पैसे खर्च किए हमारे ये कितने काम की टिप्स है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा ये बड़ी वाली पिन से आपको गोला करके दिखाती हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से गोला हमारा बन जाएगा। देखिए बन गया ना, बिल्कुल इजी तरीका है इसको बनाने का। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए। अगली हैक्स है फ्रेंड्स मेरी, ये मैंने ना ब्रश लिया है, पुराना ब्रश पड़ा हुआ था, इसके सारे जो ये दांते हैं मैं इसको निकाल दूंगी। इसको मैं सुई में धागा डालने वाला ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए दाने में इसके सारे बाल मैंने इसके निकाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि आप ना कोई भी बिजली वाला जो तार होता है वो ले लीजिए, और बिजली वाले तार को हम इसके टेप की सहायता से इसके ऊपर चिपका देंगे। देखिए इस तरीके से आपको बिजली वाले तार को टेप की सहायता से, कोई भी टेप ले लीजिए, और इसको इस अच्छी तरीके से चिपका दीजिए। देखिए इसको चिपका दिया अब मैं ना एक सुई ले लूँगी। देखिए ये एक ऑर्गेनाइजर बहुत ही, जिनको नहीं दिखता, जिनकी आंखें वीक हैं, जो दादी नानी कहती हैं कि हमारी सुई में धागा डाल दो, है ना, तो आप बहुत इजी तरीके से वो भी इसमें धागा डाल सकती हैं। तो इस तरीके से आप ये देखिए ये सुई है, बहुत ही बारीक वाली सुई है, ये तुरपन वाली सुई है, और आप इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। अब जो आगे का पार्ट है उसे आप थोड़ा सा हल्का सा खोल लीजिए और उसमें ना धागा डाल दीजिए। ये धागा डाल दिया, धागा डालने के बाद अब आप इसको ना तार को पीछे से खींच दीजिए, मतलब सुई को इसके अंदर से निकाल दीजिए।
ये देखिए कितनी इजी तरीके से मेरा सुई में धागा डल गया। आप कोई भी परेशानी आपको सुई में धागा डालने में नहीं होगी। जिनकी आई साइड वीक है बिल्कुल इजी, आई होप कि आपको